गोरखपुर 19वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो ITF चैंपियन 2023 जो 27 से 29 दिसंबर 2023 तक दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल राउरकेला उड़ीसा में आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश से 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला, जिसमें गोरखपुर खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस चैंपियन में गोरखपुर से कुल 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और गोरखपुर को 18 स्वर्ण पदक हासिल किए। 9 व्यक्तिगत में रजत पदक और 15 कांस्य पदक। व्यक्तिगत स्पर्धा महिला वर्ग में ब्लैक बेल्ट कैटेगरी में अनन्या आदा और कलर बेल्ट में तुलसी पुनः, श्वेता तिवारी, इसका थुब लक्ष्मी, अनवी गुप्ता ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रजत पदक दीप्ति मिश्रा, गरिमा पासवान ने हासिल किया। जीविका चौहान, रिशु यादव, हर्षिता यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में ब्लैक बेल्ट सीनियर में विश्व दीपक स्वर्ण पदक, रजबीर सिंह स्वर्ण पदक और कलर बेल्ट में अनुराग सिंह, अली हमजा, शिवसागर समर यादव, वेदांता यादव ने स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक ब्लैक बेल्ट सीनियर वर्ग में हरीश पुनः, कलर बेल्ट में कृष्णा गिरी, आर्यन सिंह, आदर्श विश्वकर्मा, अतीत खान, पार्थ राय, विश्वास मौर्य ने हासिल किया। श्रेयांश अग्रहरी, ज्ञान वंश, प्रियांशु गुप्ता, तनवंश, आदित्य पांडे ने कांस्य पदक जीता। कोच की जगह संतोष कुमार यादव लंबू और सहायक प्रतीक्षक दीक्षा पांडे, रेफरी की जगह पवन कुमार यादव, सौरभ हरीश पुनः खिलाड़ियों के साथ स्वागत। उत्तर प्रदेश की ताइक्वांडो स्पोर्ट अकेडमी के अध्यक्ष जीतलाल प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सिंह, उपाध्यक्ष रामाशंकर गोल, कोषाध्यक्ष उपेंद्र कुमार यादव, अरुणेश श्रीवास्तव, विकास राव, प्रियंका सिंह, पूर्णिमा पांडे, आकाश सिंह, अजीत गुप्ता, महेश पासवान, अमरेंद्र कुमार, आदित्य पाल जी, दीनबंधु आदि लोग मार्च होता।